हम बात करते हैं कर्टेन की, कर्टेन सीरीज की, कर्टेन ग्रिड एंड मल्टेन की, अभी तक तो आपने वॉल बनानी सीखी बेसिक वॉल, अब आप बनाएंगे कर्टेन वॉल जो आपकी ग्लास की वॉल होती है, ठीक है। अब ग्लास की वॉल बनाने के लिए तीन टाइप के आपके पास वॉल है, कर्टेन वॉल, एक्सटीरियर ग्लेजिंग एंड स्टोर फ्रंट, ठीक है। सबसे पहले अब नॉर्मली जो हम वॉल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि आप लेते हो, यहाँ पे जाते हो लेवल वन पे और आप जाके यहाँ पे कोई भी वॉल ऐसे क्रिएट कर देते हो, यही तो होता है। ऐसे ही आप बनाओगे कर्टेन वॉल, आप यहाँ पे क्लिक करो कर्टेन वॉल पे, सारी चीजें वही है, आप यहाँ पे वॉल बनाओगे तो बस डिफरेंस ये है कि ये कर्टेन वॉल है, ग्लास की वॉल है, नॉर्मल वॉल है। आप इस पे क्लिक करो, डिलीट करो, अब इसकी बात करते हैं, ये मैंने कर्टेन वॉल यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज करना बाकी रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहीं भी किसी भी बिल्डिंग पे जब हम ग्लास लगाते हैं तो इतना बड़ा ग्लास एक पीस में नहीं लगाते। ग्लास कितना होता है, ग्लास का 600 बाई या 600 का या 600 बाई 1200 का, ये पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन। तो वो कटिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कर्टेन ग्रिड, ग्लास को काटने के काम करता है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करो कर्टेन, इसके ऊपर आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करो जैसे ये काट दिया, कितने पे काटना है वो आप चूज कर सकते हो, 1200, 1300, 1400 पे, कितने पे भी काटना है, ठीक है। काट आप तीन तरीकों से सकते हो, फर्स्ट वन इज ऑल सेगमेंट, सेकंड वन इज वन सेगमेंट एंड थर्ड वन इज ऑल एक्सेप्ट पिक। ऑल सेगमेंट का मतलब है, मान लो आप यहाँ पे काट रहे हो ये कट रहा है, यहाँ पे काट रहे हो कट रहे हैं, कट रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे पूरा ही ग्लास कट गया, ये हो गया ऑल सेगमेंट। अगर आप सिंगल सिंगल सेगमेंट काटना है तो आपके पास है वन सेगमेंट, आप क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे वन सेगमेंट आ गया, ठीक है। आप सिंगल सिंगल सेगमेंट को यहाँ पे कट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है ऑल एक्सेप्ट पिक, इसका मतलब है कि इस पे क्लिक करो, एक बार तो आपने यहाँ पे क्लिक किया कट कर दिया तो आपके पास रेड कलर की लाइन आ जाएगी, इसका मतलब आप किसी भी क्लिक करोगे ना उतना पार्ट हट जाएगा, कमांड से बाहर आओगे तो एक इस तरीके से आप मेजरमेंट क्या होता है कि जहां पे भी हम ये पार्ट कट करते हैं तो उसकी फ्रेमिंग भी करते हैं, या वो एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग होती है, परेश एक दुकान है तो ब्रांच वगैरह काट लिए दूसरे जगह। ठीक है। स्पाइडर लोग बनते हैं फैमिली में, अभी हम करेंगे ऑफ फ्रेमिंग को, उसको हम बोलते हैं मल्लियंस। क्लिप-ऑन मल्लियंस तीन तरीकों से लगा सकते हो, ऑन ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन सेगमेंट एंड ऑल ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन का मतलब है कि आप किसी भी ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे तो आपका ये फ्रेम लग जाएगा दोनों साइड। कितने साइज का फ्रेम है वो यहाँ पे है, रेक्टेंगुलर मल्लियन 50 बाई 150 mm। अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, 30 mm स्क्वेयर चाहिए, क्लिक करो तो 30 mm स्क्वेयर का लग गया। यहाँ पे क्लिक करोगे जैसे भी आप यहाँ पे डालोगे उसी टाइप का सर्कुलर करोगे, सर्कुलर लग जाएगा, इस तरीके से आपका मल्ले लग जाएगा, क्लियर है। यस ये हो गया पूरे सेगमेंट के लिए, सिंगल सिंगल सेगमेंट के लिए चाहिए ग्रिड लाइन सेगमेंट तो सिंगल सिंगल सेगमेंट पे आपका लगाएगा, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी चूज किया तो आप सिंगल सिंगल सेगमेंट पे अपने मल्ले को लगा सकते, और पूरे पे एक ही बारी में चाहिए तो आप करो ऑल ग्रिड लाइन और सिलेक्ट कर दो तो पूरे पे एक ही बार लग जाए, क्लियर है। तो ऐसे यस आप ग्रिड और मल्लियन लगा सकते हो। दूसरा आपके पास क्लास है एक्सटीरियर ग्लेजिंग, आप इस पे क्लिक करो। एक्सटीरियर ग्लेजिंग में क्या होता है कि जब आप ग्लास को यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपको ग्रिड के साथ, ठीक है। और थर्ड वाला आपका है यहाँ पे स्टोर फ्रंट, अगर आप ये लगाते हो यहाँ पे तो ये आप ग्रिड के साथ मल्लियंस भी साथ में दिखाएगा। अब आपने देखा, अब मेरे को नहीं पता कितने लेंथ की मैंने बॉल ली है, कितने लेंथ का क्या लिया, बट जितने भी मल्लियंस है और ये ग्रिडिंग की कटिंग है वो इक्वल है सब, ठीक है। अब मैं इस डिस्टेंस को अपने तरीके से चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कटिंग, इस पे एडिट टाइप पे जाओ तो आपके पास इस टाइप का यहाँ पे ये आ जाएगा टाइप प्रॉपर्टी। टाइप प्रॉपर्टी में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम बात करते हैं वर्टिकल ग्रिड और हॉरिजॉन्टल ग्रिड के पैटर्न। वर्टिकल ग्रिड का जो लेआउट है वो है मैक्सिमम स्पेसिंग, और मैक्सिमम स्पेसिंग है यहाँ पे 15:4,
और हॉरिजॉन्टल ग्रिड का पैटर्न है, फिक्स डिस्टेंस और स्पेसिंग है 2400। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि मैक्सिमम स्पेसिंग या फिक्स डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब मान लो ट्वेंटी फीट की वॉल है, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि तीन तीन फीट के पार्ट में काट दो, तो लास्ट में कितने ट्वेंटी फीट की वॉल, दो फीट बच गया ना जी, नहीं समझा दोबारा सर, हमें समझ नहीं लगा क्या बोला। क्वेश्चन है कि आपके पास की वॉल है, मान लो वॉल छोड़ो 20 फीट की रस्सी आपके पास, ओके ओके, मैंने आपको बोल दिया तीन तीन फीट पे काट दो, तो लास्ट में कितना पीस बचेगा? आप इसके इक्वल पीस कर दो सारों के, और एक पीस तीन फीट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अगर वो पीस आपका 2.8 पे 2.9 पे भी होता तो वो उतने पे करोगे, 3 फीट से ज्यादा नहीं होगा, बट सबको इक्वल करो। तो वो हो गया मैक्सिमम स्पेसिंग। अब इसने बोला कि मैक्सिमम स्पेसिंग आपकी 1524 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट सारे ठीक है। अगर मान लो मैंने मैक्सिमम स्पेसिंग को हटा के यहाँ पे कर दिया फिक्स डिस्टेंस और अप्लाई करोगे, तो अब आप देखोगे इसने जितना ये किया, जितना बच गया उसको छोड़ दिया, छोड़ दिया। अगर आप इसी चीज को मैक्सिमम स्पेसिंग करोगे, अप्लाई करोगे, तो सबको इक्वल करेगा। या तो मैक्सिमम स्पेसिंग कर सकते हो या फिर मिनिमम स्पेसिंग कर सकते हो कि मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, बट सारे इक्वल कर दो तो उसके ज्यादा में भी इक्वल होंगे, उसके ज्यादा में भी इक्वल कर देगा, बट मिनिमम इतना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप मैक्सिमम स्पेसिंग या फिक्स नंबर कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लेआउट में क्या था? Horizontal layout में fixed distance था, total height थी आपकी 4000 की, 2400 पे fixed कर दिया, 1600 छोड़ दिया, या 3000 की थी 600 छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया। अगर आप इसे fixed distance करते, maximum spacing करते, तो दोनों में equal करता है। अब आती है बात मलियन की, vertical मलियन, interior type, border one and border two, border one हो गया पहला वर्टिकल में, बॉर्डर टू हो गया और इंटीरियर टाइप हो गया अंदर वाले। अंदर वाले का जो साइज है 50 by 150 mm का है, आप इसे क्लिक करके मान लो सर्कुलर बना करो तो सारे अंदर के सर्कुलर हो जाएंगे। ऐसे ही बॉर्डर वन चेंज कर सकते हो, बॉर्डर वन बॉर्डर टू पे कभी कभी हमें एल शेप की जरूरत पड़ जाती है, ताकि वहां से दूसरी को लगे हमें स्टार्ट करने पड़े। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉर्डर वन बॉर्डर टू में एल कॉर्नर बन जाए, तो अगर आप इसको क्लिक करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप देखोगे आपका एल कॉर्नर का बन जाएगा, ताकि यहां से आप दूसरी वॉल बनाने स्टार्ट करें। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल को इंटीरियर बॉर्डर वन बॉर्डर टू को चेंज कर सकते हो। इंटीरियर हॉरिजॉन्टल में नीचे वाला बॉर्डर वन, ऊपर वाला बॉर्डर टू और अंदर वाले इंटीरियर। ओके करो उसके बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कट हो रहा है यहाँ पे, मान लो आपको ये कट नहीं करना, ये कंटिन्यू करना है, ये नीचे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, बट ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, टैब प्रेस करोगे तो इसको सिलेक्ट कर पाओगे, और सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आता है मेक कंटिन्यूस, तो आप इसे कंटिन्यूस कर दोगे तो ढक जाएगा, ये कट हो जाएगा। ये आप अपने तरीके कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके मेक कंटिन्यूस करो, तो इस तरीके से आप अपने तरीके से आपके ग्रीडिंग वगैरह पे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, किसी भी टैब प्रेस करके आप बीच वाले को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये पिन है, अनपिन करके आप इसको ग्लेज को हटा के आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो, कि मान लो मेरे को इसके अंदर ये लगाना है जेनेरिक वॉल, तो इसके अंदर जेनेरिक लग जाएगी। इवन आप इसको सिलेक्ट करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, कि मेरे को ये डिलीट करना है, डिलीट कर दोगे, मान लो हटा ही देना है, यहाँ पे सॉलिड कर दोगे या ग्लेज कर दोगे, वो आप उस तरीके से कर सकते हो। डोर भी ऐड कर सकते हैं सर, है ना, सब कुछ है इसके अंदर, डोर भी लगा सकते हो, कैसे वो भी बताऊंगा। आप क्लिक करो और यहाँ पे एडिट टाइप पे जाओ, तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो कि इसका ऑफसेट कितना चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी चाहिए, इसका मटेरियल कितना चाहिए, मतलब प्रत्येक हर एक पर्टिकुलर पार्ट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो।
उसके बाद अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे मान लो आपने लिए यहाँ पे कर्टेन ग्रिड वॉल और प्लेन ग्लास ले लिया कर्टेन वॉल, अब कर्टेन वॉल को हमने ग्रीडिंग और उसकी हेल्प से काटा था, बट वो एक सेंस पे कैसे है पता नहीं, आप इसको भी क्लिक करके एडिट टाइप पे जाके अपने अकॉर्डिंग डाल सकते कि मैक्सिमम स्पेसिंग है, फिक्स डिस्टेंस पे आपको जो भी चाहिए अप्लाई करो, वैसे ही ग्रीडिंग कट जाएगी यहाँ पे और उसी तरीके से आप मलिन वगैरह जो भी कर सकते हो। अब अगर मान लो आपको इसके अंदर गेट लगाना, अगर आप नॉर्मल ऐसे करोगे कि आप यहाँ पे डोर लोगे कोई भी सिंगल फ्लश वगैरह डोर लो, पहली बात तो लगेगा ही ग्लास डोर नहीं है, और लोड फैमिली में जाके अगर आप यहाँ पे डोर पिक करते हो और मान लो आपने ग्लास वाले डोर ले लिए, कौन से हैं ग्लास वाले, डबल फ्रेम ग्लास, ये कर्टन वॉल, ठीक है, अगर आप इसे ओपन करोगे और ऐसे लगाओगे यहाँ पे लगेगा ही नहीं। तो लगाने के लिए आपको क्या करना है, मान लो आपने इस पे क्लिक करके और नहीं आपने क्या किया मलियन लगा दिए ऑल ग्रिड लाइंस पे पूरे, मेरे को इसके बीच में ग्लास लगाना है, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, टैब से इसको प्रेस करके सबसे पहले तो इसको हटाओगे, ठीक है, इसको हटाने के लिए ऐसे मलियन नहीं हटेगा, आपको ग्रिड हटाना पड़ेगा, ठीक है, ग्रिड हटाने के लिए आप क्या करोगे, ग्रिड को सिलेक्ट करोगे और आप एड और रिमूव सेगमेंट करोगे और आप इस पे क्लिक करोगे तो सेगमेंट हटेगा और ये डिलीट हो जाएगा आपका मलियन। आपके पास ये ग्लास आ गया इस तरीके से, अब इसको आप सबसे पहले आप इंसर्ट करोगे उस डोर को, उसी के लिए आप इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पे करोगे लोड फैमिली, और लोड फैमिली में जाके यहाँ पे आप अपने डोर को यहाँ से इंसर्ट करोगे जो आपका पटेल डोर कहाँ पे गया, ये ओपन करो, ओपन करोगे आपकी लिस्ट में आ जाएगा और लिस्ट में दिखेगा कैसे, इसको जब आप टैप प्रेस करके सिलेक्ट करोगे इसका साइज आप डोर के अकॉर्डिंग ले लोगे जो भी आपको इसका साइज लेना है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको डोर दिख रहा है, अब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो एज ए डोर में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप कर्टेन के डोर लगाओगे, इस ये आपको फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये था आपका कर्टेन डोर वगैरह आप किस तरीके से लगाओगे। इसमें से आपका एक बचेगा रूम बाई फेस, आपका बचेगा फ्लोर बाई फेस, एक बचेगा वॉल बाई फेस और एक बचेगा कर्टेन सिस्टम, ये चारों चीजें होंगी जब हम मासिंग एंड साइड का काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कहीं पे भी ग्लास, एक और ट्रिक, हॉल डेकोरेट झाला की होईनोचा पण सेतरे बात करें वॉल्स को आप यूज कहां करोगे, आउटर जे एंट्री, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग तो नॉर्मली बनाते नहीं है ना जी, आपने यहां पे कोई वॉल ली, ये ट्रिक्स है, ये आपने वॉल ली, ठीक है, इस वॉल के अंदर मेरे को ग्लास लगाना है, मतलब विंडो लगानी है, अब मैं विंडो ऐसे नहीं लगाना चाहता कि ये उठाई और ये लगा दी, मैं इसकी हेल्प से मैं विंडो बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको विंडो बनाने के लिए क्या करूं, एक तरीका है कि आप यहाँ पे जाओ, ये मेरी वॉल है यहाँ पे, ये ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊंगा और मैं यहां से यूज करूंगा स्टोर फ्रंट, और स्टोर फ्रंट पे जाके एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिकली एम्बेड, अगर ये ऑन होगा तो जैसे ही आप इसके बीच में वॉल चलाओगे ना तो उतने पार्ट को खाली कर देगा उसके बीच से, और अगर आप इसको क्लिक करके इसके साइज को छोटा बड़ा करोगे तो ऊपर नीचे वॉल आएगा और आपको ऐसे दिखाई देगा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मलियंस वगैरह मेरे को अच्छे लग नहीं रहे इसके, मेरे को तो सिंपल एक फ्रेम चाहिए और बीच में ग्लास चाहिए, ठीक है, इन दिस केस हम क्या करेंगे, लेवल पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे लूंगा कर्टेन वॉल, एडिट टाइप पे जाऊंगा, इसमें मिलेगा ऑटोमेटिकली एम्बेड, इसको आप क्लिक करोगे ओके करोगे और अब आप बीच में जहां पे भी ग्लास लगाने लगा दोगे, जैसे ग्लास लगाओगे आपके इस तरीके से आ जाएगा, ये मेरे को ग्रिड नहीं चाहिए थे क्योंकि मैंने पहले से इसकी सेटिंग करके ग्रिड लगा दी, तो मैं इसको अंडू करता हूँ बिल्कुल, ये भी ओके सारा, सेलेक्ट किया डिलीट 3D, ये सेलेक्ट किया लेवल 1, अब मैंने यहाँ पे वॉल ली, नॉर्मल मैंने वॉल ली यहाँ पे गया, इसको मैंने वॉल दोबारा ली, 13 वॉल, एडिट टाइप, ऑटोमेटिकली एम्बेड, ओके, इसके बीच में जहां पे भी आपको लगाना है इजीली लगा सकते हो, 3D पे जाओगे तो आप देखोगे लग गया आपका ग्लास पूरे पे, क्या हो गया,
रियलिस्टिक से हटा के शेड कर दिया, ठीक है। अब इसको क्लिक करके मान लो ऑफसेट ऊपर से मेरे को चाहिए 200, आ गया ना तो बेस ऑफसेट 200, मान लो एक फिट चाहिए तो 300 कर, नहीं 3 फिट चाहिए तो मैंने 900 कर दिया, और ऊपर से चाहिए मेरे को 300, टॉप ऑफसेट भी मैंने कर दिया -300 नहीं -900, तो लग गया बीच में आपका 9000 में। आ गया आपका यहाँ पे विंडो इजी लगी। अब इसका फ्रेमिंग करने के लिए आप क्या करो, मलियन लो, कैसी फ्रेमिंग करनी है, ऑल ग्रिड लाइन क्लिक कर दो, आपका लग गया फ्रेम, आपकी इजीली विंडो लगती। तरीके से आप विंडो लगा सकते हो। मान लो ऐसी विंडो आती है कि एक फ्रेम ऊपर बनाना है एक नीचे बनाना है, ठीक है, तो क्या करो 13 ग्रिड लो और काट दो इसको यहाँ से जितने भी डिस्टेंस है आपको काटना है, ठीक है, और उसके बाद मलियन लो एक बीच में ये लगा दो, तो आपका इस तरीके की विंडो बन गई। कितना इजी है, आपको इन विंडो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऐसी विंडो बनानी हो तो इजीली बना सकते हो। आप इसको क्लिक करके एडिट टाइप पे जाओ, मान लो आपको मलियन से अलग चाहिए बॉर्डर वन पे, आपको सर्कुलर वाले चाहिए, अप्लाई कर दो ओके, तो आपके सर्कुलर वाले ऐसे ही लगेंगे, टैब प्रेस करके चेंज कर लो, ये आपने चेंज किए, यहाँ पे जाओ सर्कुलर मलियन जो भी लगाने हैं, क्या दिक्कत है, अंडू 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 मलियन क्लिक किया, सर्कुलर मलियन ऑन ग्रिड लाइन क्लिक, तो इस तरीके से कर दिया आपको, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप अपनी विंडोज वगैरह को क्रिएट कर सकते, ठीक है जी सर, बिल्कुल। अगर आप अलाउ एम्बेंड नहीं करते हो तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, वॉल पे डबल क्लिक कर सकते हो, वॉल का ये ओपन हो जाएगा, ये आप स्पेस बना सकते हो, ये कट कर देगा स्पेस को, और इसके बीच में आप ग्लास लगा सकते हो, वरना आगे आएगा वॉल को क्लिक करके आप वॉल की कटिंग कर सकते हो, इसके बीच में ग्लास लगा सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। एम्बेंड करने से क्या होगा, जितना साइज आप बढ़ाओगे उसी के साइज आपका कटिंग करता चला जाएगा। क्लियर सर।